hope that you all are fit and fine. Dear kids, in essays previously I had explained you chapter number 3, My Family. And today I am going to explain you its notes. So are you ready kids? Let's begin. Let's revise what we have learned in the previous video. Previous video में हमने क्या सीखा था? उसके बारे में पहले हम रिवाइज करते हैं. सो हमने देखा था कि डिफरेंट साइज की फैमिली होती है, राइट? कुछ स्मॉल फैमिलीज होती है एंड कुछ बिग फैमिलीज होती है. तो स्मॉल फैमिली को न्यूक्लियर फैमिली कहा जाता है, जिसमें मदर, फादर एंड वन और टू चिल्ड्रन होते हैं, जिसे न्यूक्लियर फैमिली कहा जाता है. एंड जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल, आंटी, कजिन, ब्रदर, सिस्टर सारे लोग मिलजुल कर रहते हैं, तो उसे जॉइंट फैमिली कहा जाता है, जो लार्ज फैमिली होती है, राइट? ईच मेंबर ऑफ अ फैमिली हैज़ अ स्पेशल रोल टू प्ले. घर में जितने भी मेंबर्स हैं सबके अलग अलग काम रहते हैं, राइट? अवर पेरेंट्स फुलफिल आर नीड्स. हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे मम्मी पापा जो हैं, वो हमारे नीड्स को पूरा करते हैं, राइट? आर ग्रैंड पेरेंट्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली ऑल्सो हेल्प अस. हमारे ग्रैंड पेरेंट्स और हमारे घर के दूसरे जो मेंबर्स हैं वो हमें हेल्प करते हैं. एंड दे टेल अस इंस्पिरेशनल स्टोरीज एंड टेक अस फॉर आउटिंग्स. हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो हमें अच्छी अच्छी सी स्टोरीज कहते हैं, राइट? फिर हमें आउटिंग्स पर भी बाहर लेकर जाते हैं. तो इस तरह से न्यूक्लियर फैमिली भी होती है और जॉइंट फैमिली भी होती है. सो किड्स, लेट्स सी द नोट्स. ओके, अभी मैं आपको नोट्स एक्सप्लेन करूंगी. फर्स्ट क्वेश्चन है हार्ड वर्ड्स. ठीक है, यहाँ पर चैप्टर में से कुछ हार्ड वर्ड्स लिए हैं, तो ये जो हार्ड वर्ड्स है उसके स्पेलिंग आपको बहुत ही अच्छे से लर्न करने हैं और आपकी CW में आपको लिखना है. फर्स्ट जो स्पेलिंग है वो है टूगेदर, TOGETHER. TOGETHER, together, मतलब साथ में. together का मतलब होता है साथ में. हम अपनी फैमिली के साथ मिलजुल कर रहते हैं ना, together, right? Next is nuclear, NUCLEAR, nuclear. nuclear का मतलब क्या होता है? छोटा. मतलब जो हमारी छोटी सी फैमिली होती है हम उसे न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं, राइट? नेक्स्ट इज जॉइंट, JOINT, जॉइंट. जॉइंट मतलब हम सबके साथ मिलजुल कर रहते हैं, राइट? ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, कजिन, ब्रदर, सिस्टर, तो बहुत सारे लोग जब मिलजुल कर रहते हैं तो उसे जॉइंट फैमिली कहते हैं, राइट? मतलब कि साथ में रहना, जॉइंट. ओके, नेक्स्ट इज लार्ज, LARGE, लार्ज. लार्ज मतलब बड़ा. मतलब बड़ी फैमिली होती है उसे लार्ज फैमिली भी कहा जाता है, राइट? लार्ज का मतलब होता है बिग, बड़ा. ठीक है, नेक्स्ट इज रिलेटेड, RELATED, रिलेटेड. रिलेटेड मतलब हमारा एक दूसरे से क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, ठीक है, उसे रिलेशन कहते हैं. नेक्स्ट इज मैरिड, MARRIED, मतलब शादीशुदा, मैरिड. MARRIED, मैरिड. नेक्स्ट इज हस्बैंड, HUSBAND, हस्बैंड. हस्बैंड का मतलब क्या होता है? पति, राइट? नेक्स्ट इज अंडरस्टैंड, UNDERSTAND, अंडरस्टैंड. UNDERSTAND, अंडरस्टैंड मतलब समझना. नेक्स्ट इज रिलेशनशिप, RELATIONSHIP, रिलेशनशिप. हम हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ रहते हैं, राइट? तो एक दूसरे के साथ हमारा क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, उसे रिलेशनशिप कहा जाता है. तो किड्स, आपको ये न्यू वर्ड्स अच्छे से लर्न करने हैं, इसके स्पेलिंग और आपकी नोटबुक में आपको लिखना है. नाउ किड्स, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, MCQ यहाँ पर दिए हैं. तो उसके जो 4 ऑप्शन है उसमें से करेक्ट आंसर के नीचे आपको अंडरलाइन करनी है. लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन. योर पेरेंट्स, पेरेंट्स आर योर डैश. आपके पेरेंट्स के जो पेरेंट्स हैं तो वो आपके रिश्ते में क्या लगते हैं? यस,
आपके पेरेंट्स के पेरेंट्स मतलब आपके जो मम्मी पापा है उनके भी मम्मी पापा आपके क्या लगेंगे, यस ग्रैंड पेरेंट्स, राइट, उन्हें ग्रैंड पेरेंट्स कहा जाता है। तो आंसर होगा ए ऑप्शन, ग्रैंड पेरेंट्स। सेकेंड इज योर फादर्स एंड मदर्स ब्रदर इज योर डैश, आपके पापा के और आपके मम्मी के जो भाई है उसे आप क्या कहते हो, वो आपके क्या लगते हैं, यस आपके पापा के और जो मम्मी के भाई है उन्हें हम अंकल कहते हैं, वो हमारे अंकल लगते हैं, राइट। तो आंसर होगा ए ऑप्शन, अंकल। नेक्स्ट इज इफ योर अंकल इज मैरिड हिज वाइफ इज योर डैश, अगर आपके अंकल की शादी हो गई है मतलब कि आपके मामा या तो आपके चाचा की शादी हो गई है तो उनकी जो वाइफ है वो आपकी क्या लगेगी, यस वो आपकी आंटी लगेगी, राइट आंट लगेगी मतलब चाची या तो मामी। तो आंसर होगा डी ऑप्शन, आंट। नेक्स्ट इज अ लार्ज फैमिली इज कॉल्ड डैश, जो लार्ज फैमिली होती है जो बड़ी सी फैमिली होती है उसे क्या कहा जाता है, यस मैंने आपको बताया था ना, यस लार्ज फैमिली को हम जॉइंट फैमिली कहते हैं। तो आंसर होगा सी ऑप्शन, जॉइंट फैमिली। नाउ किड्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर फिलअप्स में आपको राइट आंसर लिखना है। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन, पीपल लिविंग टुगेदर इन अ हाउस आर कॉल्ड अ डैश, सब लोग मिलजुल कर एक साथ एक ही घर में रहते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, यस उसे फैमिली कहा जाता है, एफ ए एम आई एल वाई, फैमिली मतलब परिवार। आप भी अपने फैमिली के साथ रहते हो ना, राइट। नेक्स्ट इज इफ योर अंकल इज मैरिड हिज वाइफ इज योर डैश, जैसे कि मैंने आपको एमसीक्यू में भी बताया कि अगर आपके अंकल की शादी हो गई है तो उनकी वाइफ आपकी क्या लगेगी, यस आंटी लगेगी, राइट आंट कहेंगे उन्हें हम, मामी या तो चाची। तो आंसर होगा आंट, ए यू एन टी, आंट। नेक्स्ट इज योर डैश आर योर पेरेंट्स पेरेंट्स, आपके डैश जो है वो आपके पेरेंट्स के भी पेरेंट्स है मतलब आपके मम्मी पापा के भी मम्मी पापा, तो वो कौन होते हैं, यस ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादा दादी एंड नाना नानी। तो आंसर होगा ग्रैंड पेरेंट्स, जी आर ए एन डी ग्रैंड, पी ए आर ई एन टी एस पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स। नेक्स्ट इज योर आंट्स आर द डैश ऑफ योर फादर एंड मदर, आपके जो आंट्स है वो आपके मम्मी और पापा के क्या लगते हैं, वो आपको लिखना है, तो यस आपके मासी एंड आपके जो बुआ है फोई है वो आपके फादर और मदर के क्या लगते हैं, सिस्टर लगते हैं, राइट। आपके जो मम्मी की सिस्टर है उसे हम मासी कहते हैं और आपके जो पापा की सिस्टर है उसे हम बुआ या तो फोई कहते हैं, राइट। तो आंसर होगा सिस्टर, एस आई एस टी ई आर, सिस्टर। नाउ किड्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द लिस्ट, मैच ए विथ बी, यहाँ पर आपको मैचिंग करना है। लेट सी द फर्स्ट क्वेश्चन, स्मॉल फैमिली, तो स्मॉल फैमिली को और भी हम कौन से नाम से जानते हैं, यस उसे हम न्यूक्लियर फैमिली भी कहते हैं, राइट। तो जो बी आंसर है, बी ऑप्शन है, वो है करेक्ट आंसर, न्यूक्लियर फैमिली। तो आपको अगर मैच करना है तो आप मैच भी कर सकते हो या तो आंसर भी लिख सकते हो। नेक्स्ट इज लार्ज फैमिली, तो लार्ज फैमिली को हम क्या कहते हैं, यस जॉइंट फैमिली भी कहते हैं। तो आंसर होगा ए ऑप्शन, जॉइंट फैमिली। तो आपको ए के साथ मैच करना है। नेक्स्ट इज वॉच प्रोग्राम, तो हम प्रोग्राम मतलब सारे सीरियल्स और मूवीज किस में देखते हैं, यस टेलीविजन में देखते हैं, टेलीविजन मीन्स टीवी, राइट, टीवी में हम सब कुछ देखते हैं ना, तो आंसर होगा डी ऑप्शन, टेलीविजन। नेक्स्ट इज इंडोर एंड आउटडोर, तो इंडोर एंड आउटडोर क्या होता है, गेम्स होती है, राइट। तो आंसर होगा सी ऑप्शन, गेम्स। नेक्स्ट इज फेस्टिवल्स, तो फेस्टिवल्स किसे कहा जाता है, तो यस दिवाली क्या है, फेस्टिवल है, राइट। तो आंसर होगा ई ऑप्शन, फेस्टिवल। तो किड्स हम बहुत सारे टीवी प्रोग्राम्स हमारे फैमिली के साथ मिलकर देखते हैं, हम मूवीज देखने जाते हैं, फिर हम बहुत सारी गेम्स खेलते हैं, इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स हमारी फैमिली के साथ खेलते हैं, एंड हम बहुत सारे फेस्टिवल्स भी, ऑलमोस्ट सारे ही फेस्टिवल्स हम हमारे फैमिली के साथ सेलिब्रेट भी करते हैं, राइट। सो किड्स गॉट इट ऑल ऑफ यू, सबको समझ आ गया, तो ये वर्क आपको आपके सी डब्ल्यू में कम्प्लीट कर देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे होम स्टे सेफ, बाय।